नमस्कार दोस्तों, किचन फूड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर के। तो चलिए देर न करते हुए हम रेसिपी को बता देते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं शाही टोस्ट मिठाई। तो शाही टोस्ट मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक गिलास दूध, और ये जो चम्मच दिख रहा है इसी चम्मच से हमने 2 चम्मच मैदा ले लिया है, और हम यहाँ पे ले लिए हैं 6 से 7 रस्क या टोस्ट, ये नॉर्मल रस्क और टोस्ट है। और यहाँ पे हमने चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी ले ली है, और यहाँ पे हमने 4 छोटी इलायची ले लिया है, और कुछ दाने पिस्ते के ले लिए हैं गार्निश के लिए। उसके बाद अब हमें जो करना है वो सबसे पहले हमें मैदे का एक बैटर तैयार करना है। तो मैदे का बैटर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 बाउल, और बाउल के अंदर हमें मैदे को डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे। दूध एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि हम कुछ भी अगर घोल बना रहे होते हैं उसमें पानी या दूध कुछ भी एक साथ डाल देते हैं तो उसमें लम्स आ जाते हैं, इसलिए मैदे में तो ज़्यादा लम्स पड़ता है, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा ही करके दूध डालना है और एक स्मूथ बैटर बनाना है। बैटर ना हमारा गाढ़ा होगा ना पतला होगा, जिससे बस जो भी हम इसके अंदर डालें एक लेयर जैसा बन जाए उतना हमको रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी एक अच्छा सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दूंगी और तब तक मैं चाशनी बनाऊंगी। तो चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक पैन। पैन में हमने जो 1 कटोरी चीनी ली थी इसको डाल दिया है, और अब हम इसी कटोरी से 2.5 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। आप जिस भी मेजरमेंट से आप चीनी ले रहे हैं उसी बर्तन से 2.5 बर्तन मतलब आपको पानी ऐड करना है। और उसके बाद हमें जो चाशनी का टोटल पकाने का टाइम रखना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20 से 22 मिनट रखना है मीडियम फ्लेम पे। तो इसको बॉयल होने तक हम ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये बॉयल होने लगा है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो इलायची के लिए थे उसके दाने, और इलायची के दाने डालने के बाद हम 10 से 12 मिनट इसे और पकाएंगे। 10-12 मिनट पकने के बाद ये चाशनी तैयार हो जाती है। इसकी चाशनी हमें बहुत मोटी नहीं चाहिए, ये नॉर्मल चाशनी ही चाहिए हमको। तो ये बन चुकी है, और इसे मैं अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे जो हमने बैटर और टोस्ट लिया था इसको ले लेना है, और एक बार हमने थोड़ा सा इसे और फेंट लिया। उसके बाद जो ये टोस्ट है हम इसके अंदर अच्छे से डुबोएंगे, ताकि जो हमारे टोस्ट के ऊपर ये एक लेयर लग जाए इस मैदे की, और ये फिर अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो इसको हमें अच्छे से इसमें ऐसे ही डुबोना है और फिर फ्राई करने के लिए रखना है। तो हमने फ्राई करने के लिए कढ़ाई ले लिया है। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया है हमारा। अब मैं इसके अंदर ये टोस्ट जो है डालूँगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। हमें डार्क ब्राउन इसे नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, ऊपर का मैदे का लेयर कलर चेंज हो जाए, बस हमें इतना ही करना है। तो मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए हमारा फ्राई हो रहा है और गोल्डन ब्राउन कलर का हो भी गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और इसी तरह से सभी टोस्ट को अच्छे से ऐसे फ्राई कर लूँगी मैं। इसे फ्राई करने में कोई दिक्कत नहीं होती, ये आराम से फ्राई हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि रस्क जो होते हैं ऑलरेडी पके हुए होते हैं, बस हमें मैदे को ही पकाना होता है इसके ऊपर से। तो देखिए ये हमारे सारे जो है टोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब मैं जो चाशनी ली थी वो भी थोड़ा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रख करना था, थोड़ा ही ठंडा करना है। और उसके बाद ये जो हमने टोस्ट फ्राई किए हैं इन सबको इसके अंदर डुबोना है। ये अभी थोड़ा कम डूब रहे हैं इसमें, क्योंकि अभी जो टोस्ट में है ये चाशनी को अभी इसने मतलब ऑब्जर्व नहीं किया है। जब ये चाशनी इसके अंदर थोड़ी मिल जाएगी तो टोस्ट नीचे बैठ जाएगा और आराम से सभी टोस्ट इसमें अच्छे से चाशनी में डूब जाएंगे। तो मैं इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए ऐसे ढक करके रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं, और आपको दिख भी रहा है कि हमारा जो
टोस्ट है वो अच्छे से चाशनी में डूब चुका है और ये देखने में भी लग रहा है कि एकदम स्मूथ हो गया है। तो आप इसे ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो और भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसे देखिए एक बार, तो ये इतना स्पंची बन गया है। मैं आपको इसे करीब से दिखा देती हूँ, देखिए कितना स्पंची हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो उसके लिए हमने ले लिया है फ्रेश मिल्क क्रीम, बस पे हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे और क्रीम को इसके ऊपर ऐसे एक लेयर जैसा फैला देंगे। और फिर जो हमने पिस्ते के दाने लिए थे उसको हमने दो भागों में काट लिया है, बस हम इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर देंगे। आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लगता है। बस हम इसी तरह से सभी टोस्ट को अच्छे से गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी टोस्ट अच्छे से हो गए हैं और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक